तो दोस्तों आज हम एक ऐसे आदमी की कहानी देखेंगे जो हजारों सालों से खोई हुई अटलांटिस सिटी को ढूंढने जाता है और इसमें उनका सामना कुछ भयानक खतरों से होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मूवी शुरू होती है अटलांटिस नाम की एक सिटी से, जिनकी टेक्निक प्रेजेंट टाइम की टेक्निक से बहुत एडवांस्ड है। लेकिन आज उनकी सिटी पर एक बहुत बड़ा खतरा आने वाला है जो कि बड़ी बड़ी वेव्स के रूप में है। इससे सिटी में अफरा तफरी मच जाती है और वो सब खुद को बचाने की कोशिश करने लगते हैं। यहीं हम उनकी रॉयल फैमिली को देखते हैं, जिसमें किंग और क्वीन के अलावा उनकी बेटी कीडा भी है। क्वीन कीडा से तुरंत सेफ्टी में जाने को बोलती है और तभी हम देखते हैं कि सिटी के ऊपर एक अजीब सी रोशनी चमकने लगी है जो क्वीन को हिप्नोटाइज करके अपने साथ ले जाती है। सिटी के गार्ड्स उसके आसपास एक शील्ड बना लेते हैं जिससे सिटी तो बच जाती है, लेकिन समुद्र हमेशा के लिए उसे अपने अंदर समा लेता है और इस तरह एक हस्ती खेलती सिटी गायब हो जाती है। आगे का सीन 8000 साल बाद का है, जहां हम माइलो नाम के एक लैंग्वेज एक्सपर्ट को देखते हैं जो सिटी म्यूजियम के बॉयलर रूम में रहता है। माइलो को अटलांटिस सिटी में बहुत दिलचस्पी है और वो कैसे भी करके उसे ढूंढना चाहता है। वो बताता है कि वैसे तो वो लोग हर चीज में एडवांस थे, लेकिन इसमें सबसे खास था एक पावर सोर्स, और अगर वो उनके हाथ लग जाए तो दुनिया की काफी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है। आगे वो एक बुक शेपर्ड जनरल के बारे में बताता है जिसमें अटलांटिस तक पहुंचने का रास्ता लिखा हुआ है, लेकिन इसे ढूंढने के लिए उसे आइसलैंड तक जाना होगा। पता चलता है कि उसके दादाजी भी उसकी तरह एक एक्सप्लोरर ही थे, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है। फिर माइलो फंडिंग मांगने के लिए म्यूजियम के बोर्ड के पास जाता है, लेकिन वो सब उसे देखते ही भाग खड़े होते हैं और डायरेक्टर उसे कहता है कि हम तुम्हारे पागलपन पर पैसा नहीं लगा सकते। उदास माइलो वापस अपने रूम में आता है जहाँ एक हेल्गा नाम की लेडी उसका इंतजार कर रही है। वो उसे एक बार अपने मालिक से मिलने को बोलती है जिसका नाम विटमोर है, और माइलो देखता है कि वो उसके दादाजी का पुराना दोस्त है। विटमोर उसे टेबल पर रखा एक गिफ्ट देखने को बोलता है जो असल में उसके दादाजी ने दिया था, और माइलो देखता है कि इसमें वही शेपर्ड जनरल है जिसे वो ढूंढने की बहुत कोशिश कर रहा था। फिर विटमोर उसे बताता है कि मैं तुम्हारे दादाजी के काम से बहुत इम्प्रेस था और अटलांटिस ढूंढने के मिशन को फाइनेंस करना चाहता हूँ। वो उसे मिशन में यूज होने वाली सबमरीन का मॉडल दिखाता है और ये देखकर माइलो भी उसकी बात मान जाता है। फिर वो माइलो को कुछ तस्वीरें दिखाता है जिसमें जियोलॉजी, डेमोलेशन, मैकेनिक और डॉक्टर की टीम है, और ये लोग पहले भी उसके दादाजी के साथ काम कर चुके हैं। आगे हम उन्हें एक बड़े से शिप पर देखते हैं जहाँ से वो सबमरीन को बोर्ड करने वाले हैं, और मिशन का लीडर है रोर के नाम का कमांडर। जल्दी ही उनकी सबमरीन डाइव कर जाती है और माइलो उन सबको आने वाले खतरों के बारे में बताता है। उसके हिसाब से उनका सामना एक सी मॉन्स्टर से होने वाला है जो असल में अटलांटिस सिटी की रक्षा करता है, और उससे बचकर ही वो अटलांटिस के गेट तक जा सकते हैं। रास्ते में उन्हें कुछ दूसरे शिप भी दिखाई देते हैं जो अटलांटिस पहुंचने से पहले ही नष्ट हो गए, और ये देखकर वो घबरा जाते हैं। तभी हम सबमरीन के नीचे उस मॉन्स्टर को देखते हैं जो इनकी सबमरीन को फॉलो कर रहा है और मौका मिलते ही उन पर अटैक कर देता है। माइलो देखता है कि ये असल में एक मैकेनिकल रोबोट है और शायद अटलांटिस के लोगों ने इसे यहाँ छोड़ा है। वो लोग उस पर अपनी गन से हमला करते हैं, लेकिन इसका उस मॉन्स्टर पर कोई असर नहीं होता और उल्टा वो ही उनकी सबमरीन को तबाह कर देता है। बचने के लिए वो अपनी मिनी सबमरीन का यूज करते हैं और माइलो उन्हें सामने बनी एक दरार में चलने को कहता है। मॉन्स्टर उनके काफी सारे साथियों को मार डालता है, लेकिन आखिरकार वो उससे बचकर निकल जाते हैं। आगे वो लोग एक एयर पॉकेट में आते हैं जहाँ सामने उन्हें अटलांटिस का दरवाजा नजर आता है जो सतह से हजारों मीटर नीचे छुपा हुआ था। फिर वो अपने मरे हुए साथियों को श्रद्धांजलि देते हैं और कमांडर उन्हें आगे बढ़ने के लिए अपनी गाड़ियाँ तैयार करने को बोलता है। इसी तरह वो माइलो के बताए रास्ते पर निकल पड़ते हैं और हम देखते हैं कि कुछ अजीब से लोग उनका पीछा कर रहे हैं। फिर रात को एक जगह वो आराम करने रुकते हैं जहाँ बीच में एक चमकती हुई लालटेन लगी हुई है, और वो इस तरह की नेचुरल लाइट को देखकर हैरान रह जाते हैं। आगे खाना खाते हुए माइलो उस बुक को चेक करने लगता है और देखता है कि पावर सोर्स की जानकारी वाला पेज फटा हुआ है। यही उसे अपनी टीम के बैकग्राउंड के बारे में पता चलता है जहाँ वो सब किसी न किसी प्रॉब्लम के सताए हुए हैं। फिर जल्दी ही वो सब सोने चले जाते हैं और हम देखते हैं कि वो अजीब से लोग वहाँ उनकी तहकीकात करने आए हैं। तभी माइलो फ्रेश होने के लिए बाहर आता है और उसकी टॉर्च की रोशनी के कारण लालटेन से कुछ अजीब से जुगनू बाहर आते हैं। माइलो देखता है कि ये किसी भी चीज को पल भर में जला देते हैं, और ऐसे ही हजारों जुगनू उनकी तरफ आ रहे हैं। इससे उनके पूरे कैंप में आग लग जाती है और वो तुरंत अपनी गाड़ियां लेकर ब्रिज को क्रॉस करने लगते हैं।
तभी एक धमाके से वो ब्रिज टूट जाता है और ये सब एक सोते हुए वोल्केनो के बेस में आ गिरते हैं। वो देखते हैं कि वोल्केनो का मुंह सील पड़ा हुआ है और वो इसके थ्रू एंड में यहाँ से बाहर निकल सकते हैं, लेकिन उन्हें बस इतना ध्यान रखना होगा कि यहाँ कोई बड़ा ब्लास्ट ना हो, वरना ये सोया हुआ वोल्केनो जाग जाएगा। तभी वो देखते हैं कि माइलो उस ब्रिज पर घायल पड़ा हुआ है, जहाँ उसके पास वही अजीब से लोग आते हैं और उनमें से एक लड़की माइलो के घाव ठीक कर देती है और इसके लिए वो अपने क्रिस्टल का यूज करती है। फिर उसके दोस्तों को आता देख वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं और माइलो भी उनका पीछा करने लगता है। पीछा करते हुए वो गुफा से बाहर एक आइलैंड पर आता है और उसके साथी भी जल्दी ही वहाँ पहुँच जाते हैं। यहाँ उन्हें सामने वो अटलांटिस सिटी नजर आती है और तभी वो अजीब से लोग फिर उन्हें घेर लेते हैं। लैंग्वेज एक्सपर्ट होने के कारण माइलो उनकी भाषा समझ जाता है और पता चलता है कि ये सब लोग अटलांटिस के निवासी हैं और ये लड़की प्रिंसेस कीड़ा है। जल्दी इन लोगों में दोस्ती हो जाती है और कीड़ा उन्हें अपने साथ सिटी में चलने को कहती है। वहाँ वो सब सिटी के किंग से मिलते हैं, जो उन्हें इस तरह यहाँ देखकर बिल्कुल खुश नहीं होता और कहता है कि तुम जिस चीज की तलाश में आए हो वो तुम्हें यहाँ कहीं नहीं मिलेगी और तुम लोगों को अभी यहाँ से वापस चले जाना चाहिए। तब कमांडर उससे एक रात रुकने की परमिशन मांगता है और किंग भी कुछ सोचकर उसके लिए तैयार हो जाता है। कीड़ा को लगता है कि शायद ये लोग पावर सोर्स ढूंढने में उनकी मदद कर सकते हैं, लेकिन किंग इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं होता और उसे समझाता है कि हमें इन लोगों से दूरी बनाकर रखनी होगी। उधर माइलो कीड़ा से मिलने जाता है और पता चलता है कि वो भी उससे बात करना चाहती थी। वो दोनों एक दूसरे से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं और माइलो उसे अपनी बुक के बारे में बताता है और ये भी कि वो उनकी लैंग्वेज पढ़ सकता है। फिर कीड़ा उसे अपना एक शिप दिखाती है जो काफी टाइम से इनएक्टिव पड़ा हुआ है और माइलो बताता है कि इसे तुम्हारे क्रिस्टल से शुरू किया जा सकता है। आगे कीड़ा उसे अपनी पूरी सिटी घुमाती है और माइलो भी उनकी सोसाइटी और कल्चर को देखकर हैरान रह जाता है। तब कीड़ा उसे बताती है कि ये सब बस कुछ ही टाइम के लिए है, क्योंकि अंदर से उनकी सिटी मर रही है और माइलो से अपनी मदद करने को कहती है। फिर वो उसे पानी के नीचे एक सीक्रेट जगह ले जाती है जहाँ कुछ पुरानी पेंटिंग्स बनी हुई हैं और माइलो उन्हें स्टडी करने लगता है। वो कीड़ा को बताता है कि ये क्रिस्टल तुम्हारी सिटी के हर्ट के जैसा है और ये तुम्हें एनर्जी देने के साथ साथ तुम्हारी सिटी को लाइफ पावर भी देता है। कीड़ा उसे इस क्रिस्टल की लोकेशन के बारे में पूछती है, लेकिन माइलो बताता है कि बुक का पेज फटा होने के कारण वो इसके बारे में कुछ नहीं जानता। बाहर आने पर उनका सामना कमांडर से होता है, जो असल में यहाँ इस क्रिस्टल को चुराने आया था और पता चलता है कि वो फटा हुआ पेज भी उसी के पास है। वो माइलो से इसे ढूंढने में अपनी मदद करने को कहता है, वरना वो कीड़ा को जान से मार डालेगा और माइलो को ना चाहते हुए भी उसकी बात माननी पड़ती है। यहाँ से वो लोग सीधा किंग के पास आते हैं, क्योंकि पेज में लिखा था कि सिर्फ वही इसकी लोकेशन के बारे में जानता है। किंग उनकी बात मानने से मना करता है और ये सुनकर कमांडर गुस्से में उसे मारने लगता है। तभी उसकी नजर पैलेस के बीच बने उस फाउंटेन पर पड़ती है, जिस पर वही निशान बने हैं जो इस बुक पर बने हुए हैं। वो उस जगह को चेक करने जाता है और तभी वो पिलर एक लिफ्ट की तरह नीचे जाने लगता है। वहाँ वो उस बड़े से क्रिस्टल को देखते हैं, जिसकी रक्षा अटलांटिस के पूर्वज कर रहे हैं। कमांडर माइलो से इसे नीचे लाने का तरीका पूछता है और तभी अचानक क्रिस्टल से निकली रोशनी कीड़ा को हिप्नोटाइज करके अपने साथ ले जाती है। वो उसे अपने साथ ऊपर क्रिस्टल की ओर खींच लेती है और फिर देखते ही देखते सारी पावर उसके अंदर ट्रांसफर हो जाती है और ऐसा लगता है जैसे वो और क्रिस्टल एक हो चुके हैं। ऐसा होते ही उसके पूर्वजों के स्टोन नीचे गिर पड़ते हैं और कमांडर उसे एक लोहे के बॉक्स में कैद कर लेता है। वो उसे वहाँ से बाहर ले जाने की तैयारी करते हैं और माइलो इन सब से बिल्कुल एग्री नहीं होता। वो उन्हें समझाता है कि इस तरह अटलांटिस सिविलाइजेशन का अंत हो जाएगा और उन्हें इन लोगों पर रहम करना चाहिए। वो बाकी टीम से भी रिक्वेस्ट करता है कि तुम लोगों ने भी अपनी लाइफ में बहुत दुख झेले हैं और तुम्हें इनके दर्द को समझना चाहिए, लेकिन कमांडर कहता है कि दुनिया में पैसे से बड़ा कुछ नहीं होता और ये कहकर माइलो को एक जोरदार पंच मारता है। वो उसे भी उसके दादा की तरह एक फेलियर बताता है और अपने लोगों को वहाँ से निकलने को बोलता है। तभी अचानक उसकी टीम का मन बदलना शुरू हो जाता है और हेल्गा को छोड़कर बाकी सब माइलो के साथ आ जाते हैं। कमांडर को इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता और वो हेल्गा के साथ वहाँ से निकल जाता है। उसके जाते ही सिटी का पानी सूखने लगता है और लोगों के क्रिस्टल की पावर भी कम होने लगती है। कमांडर जाते हुए उस ब्रिज को ब्लास्ट कर देता है ताकि कोई भी उनके पीछे ना आ सके। आगे हम उन सबको पैलेस में देखते हैं, जहां डॉक्टर किंग को ठीक करने की कोशिश कर रहा है।
किंग माइलो को बताता है कि ये हमारी फैमिली का ट्रेडिशन रहा है और जब भी यहाँ कोई मुसीबत आती है क्रिस्टल रॉयल फैमिली में से किसी एक को चुन लेता है ताकि अपनी पावर्स को सुरक्षित कर सके। ऐसे ही उसने कीड़ा की मॉम के साथ किया था और अब उसने कीड़ा को चुना है। आगे वो बताता है कि ये सब उसी की गलती है और उसी की वजह से 8000 साल पहले वो सुनामी आई थी क्योंकि वो इस क्रिस्टल की पावर को वेपनाइज करना चाहता था। वो माइलो से कीड़ा को बचाने को कहता है क्योंकि जल्दी ही क्रिस्टल उसे पूरी तरह कंट्रोल कर लेगा और फिर वो कभी वापस नहीं आ पाएगी। इसके लिए वो माइलो को अपना क्रिस्टल देता है और कहता है कि अब कीड़ा और अटलांटिस को बचाने की जिम्मेदारी तुम्हारे हाथों में है और ये कहकर किंग दम तोड़ देता है। माइलो अपने अगले एक्शन के बारे में सोचता है और तभी उसे याद आता है कि अटलांटिस के पास अपने उड़ने वाले शिप हैं। वो वहाँ पड़े पुराने शिप को एक्टिवेट करता है और बाकी लोगों को भी इसे चलाने का तरीका बताता है। जल्दी ही वो सारे शिप चालू हो जाते हैं और माइलो अपने साथियों को लेकर कमांडर के पीछे चला जाता है। उधर कमांडर के लोग ब्लास्ट करके वोल्केनो के मुंह को खोल देते हैं और एक बैलून की मदद से वहां से निकलने का प्लान करते हैं। तभी वो माइलो और उसके साथियों को आते हुए देखता है और वहाँ उनके बीच में एक जंग शुरू हो जाती है। कमांडर के लोग भी अपने पोर्टेबल प्लेन्स का यूज करते हैं और ये देखकर माइलो परेशान हो जाता है। फिर वो देखते हैं कि उनके शिप में भी अटैक करने की पावर है और इससे पूरी गेम पलट जाती है। कमांडर भी ये देखकर अपने बैलून की स्पीड बढ़ा देता है और कीड़ा को बचाने के लिए माइलो सीधा उस बैलून में क्रैश कर देता है। कमांडर देखता है कि उनकी स्पीड स्लो हो रही है और लोड कम करने के लिए वो अपने ही साथी हेल्गा को नीचे गिरा देता है। तभी माइलो वहां आकर उस पर अटैक कर देता है और उन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। हेल्गा को कमांडर के इस धोखे से बहुत दुख होता है और वो एक गन से बैलून को नष्ट कर देती है। कमांडर गुस्से में माइलो पर एक कुल्हाड़ी से हमला करता है और इसी चक्कर में वो उस बॉक्स के ग्लास को तोड़ देता है जिसमें कीड़ा कैद है। माइलो उस ग्लास का एक टुकड़ा उठा लेता है और उसे कमांडर के हाथ पर हमला करता है। ग्लास में क्रिस्टल की पावर होने के कारण कमांडर का शरीर भी क्रिस्टल में बदलने लगता है और जल्दी ही वो एक मॉन्स्टर बन जाता है। फिर हम उसे माइलो पर दोबारा अटैक करते हुए देखते हैं, लेकिन रोटर ब्लेड उसके शरीर को चकनाचूर कर देता है और माइलो उस बॉक्स के साथ नीचे आ गिरता है। तभी वो बैलून भी वोल्केनो के बेस से टकराता है जिससे वहाँ एक बड़ा धमाका होता है और वो उस वोल्केनो को एक्टिव बना देता है। वो लोग बॉक्स को चैन से बांध कर वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन देखते हैं कि लावा तेजी से उनके पीछे आ रहा है। आगे वो लोग वापस सिटी में आते हैं जहाँ माइलो कीड़ा को उस बॉक्स से बाहर निकालता है और ऐसा करते ही अटलांटिस सिटी में फिर से पावर आ जाती है। उनके पूर्वजों के पत्थर भी एक्टिव हो जाते हैं और कीड़ा को हवा में उठाकर तेजी से उसके आसपास चक्कर लगाने लगते हैं। फिर उससे एक रोशनी बाहर आती है जो सिटी के पुराने गार्ड्स को जिंदा कर देती है और वो सब वहाँ एक शील्ड बनाने लगते हैं। जल्दी ही लावा सिटी तक पहुँच जाता है और उसे अपने अंदर समा लेता है, लेकिन शील्ड की पावर उसे जमा देती है और इससे लावा की परतें टूटकर नीचे गिरने लगती हैं। सिटी का पानी फिर से बहने लगता है और वहाँ सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। तभी माइलो देखता है कि कीड़ा अपने नॉर्मल रूप में नीचे उतर रही है और वो भागकर उसे पकड़ लेता है। कीड़ा उसे अपने बचपन वाला कड़ा दिखाती है जो चाहते हुए उसकी मोम अपने साथ ले गई थी और फिर माइलो को गले से लगा लेती है। सब लोग अटलांटिस को पहले वाले रूप में देखकर बहुत खुश होते हैं, खासकर माइलो और कीड़ा। आगे वो लोग एक बड़े से शिप से वापस जाने लगते हैं और उनकी मदद के बदले कीड़ा उन्हें ढेर सारा खजाना ऑफर करती है। माइलो कीड़ा के साथ यहीं रहने का फैसला करता है और एक एक करके उसके सभी साथी उससे अलविदा लेते हैं। फिर सब लोग मिलकर एक फोटो खिंचवाते हैं जो उसकी टीम मिस्टर विटमोर को दिखाती है और कहती है कि हमारे अलावा वहाँ कोई जिंदा नहीं बचा। विटमोर को ये सुनकर बहुत दुख होता है और तभी वो देखता है कि माइलो ने उसके लिए एक गिफ्ट भेजा है। खोलने पर उसे उसमें एक क्रिस्टल नजर आता है जो माइलो ने सिर्फ इसलिए भेजा है ताकि उसकी और उसके दादाजी की बात प्रूव हो सके, और ये पाकर विटमोर बहुत खुश होता है। आगे का सीन अटलांटिस का है जहाँ कीड़ा अपने पिता के पत्थर को आखिरी विदाई दे रही है और वो उड़ता हुआ अपने पूर्वजों के पास चला जाता है जो सिटी पर तैरते हुए उस क्रिस्टल की रक्षा कर रहे हैं। और इसी के साथ हमारी ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो प्लीज हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।